पीस है 320। ये इसके अंदर चिकन की बोटियाँ होती हैं और गाजर वगैरह होती है और चीज़ भी होती है। फिर भी चिकन की बोटियाँ होती हैं और ये 6 पीस का पैकेट है। गाजर वगैरह होती है और इसमें उसका चीज़, ये इसके अंदर आलू चिकन और चीज़ मिक्स होती है। इसके प्राइस नया आइटम है ये। हाँ, ये हमने लास्ट ईयर ये हमने लॉन्च किया है। टॉफी को आपने कबाब बना दिया? हाँ, नहीं, चिकन का कबाब होता है और इसके अंदर चीज़ मिक्स हुई होती है। जब हमने फ्राई करना है तो रैप ऑयल के साथ ही फ्राई होगा, ये रैप के साथ ही होगा फ्राई। अगर आप 1500 का आइटम लेते हैं तो उस पर एक 12 पीस का जो बॉन्टॉन का बॉक्स है वो फ्री है। ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं चिकन चिक्की मिक्की बना रहे हैं। चिकन चिक्की मिक्की बना रहे हैं और समोसे यहाँ बन रहे हैं। इसके ये भी 300 का है। इसके अंदर चिकन की बोनलेस पीस की बोटियाँ होती हैं और बाकी बीच में वो शिमला वो है, इसको हम कहते हैं चिकन आला की। इसके अंदर चिकन होती है, मतलब ये पूरा बोनलेस आइटम है चिकन का, ये इस तरह है। और इसके अंदर सिर्फ चीज़ मतलब होती है, चिकन के बोनलेस पीस होते हैं, ये बोनलेस पीस के टाइप होते हैं। देखें ये इतने पीस होते हैं, मतलब मसाले तमाम मसाले लगे हुए, बेसन वेसन भी जो भी लगाते हैं सब लगा हुआ है। बस इसको आप फ्राई कर रहे हैं। आप लोग क्या फ्रेश रखते हैं ना यहाँ पर? जी जी जी, हमारे यहाँ डेली बनता है, डेली की बुनियाद पर यहाँ पर आता है और फिर बिक जाता है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन इस्पानी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान का माह मुबारक शुरू हो चुका है और इसकी बाबरकत जो है वो तमाम आलम पे छाई हुई है। हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ रमज़ान के हवाले से अपडेट की है, लेकिन आज हम जहाँ पर मौजूद हैं ये एक बहुत ख़ास रमज़ान की ऑफ़र भी लेकर आए हैं। इसके अलावा ये फ्रोज़न आइटम्स होते हैं, जो कि फ्रोज़न आइटम्स रमज़ान के हवाले से बहुत इमरजेंसी का वक्त होता है अफ्तारी का, तो उसमें फ्रोज़न आइटम्स जो होते हैं वो बहुत कारामद होते हैं। ये हैदरी में ब्लॉक ई में मौजूद है, डॉलमन मॉल के बिल्कुल बैक साइड पर इनकी शॉप है। ये है बुरहानी फ्रोज़न एंड इनको सेंटर के नाम से मौजूद है, ये ब्लॉक ई है। तो चले चलते हम आपको इनकी जो ख़ास इन्होंने एक दो ऑफ़र रमज़ान के हवाले से दी है वो, और जो जो इनके पास फ्रोजन आइटम्स हैं वो उनकी डिटेल आपके लिए वो चीज़ें शेयर करते हैं। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? नमस्कार, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है भाई? मोहम्मद हुसैन नाम है। मोहम्मद हुसैन भाई, हुसैन भाई कौन कौन से आइटम आपके पास मौजूद है फ्रोज़न के हवाले से? फ्रोज़न आइटम में सर हमारे पास 28 आइटम की स्पेशलिटी है। इसके अंदर हमारे जो मोस्ट जो हमारे आइटम चलते हैं ना, उसके अंदर वन बाइट समोसा है और मिंट रोल है। मिंट रोल में भी हमारे पास दो से दिखलाइएगा आप कौन कौन सी, और उसके साथ साथ रेट भी बता दीजिएगा। चले, वन बाइट समोसे ये होते हैं हमारे, ये जो ये हमारे स्पेशल आइटम्स हैं। ठीक है, ये होते हैं। ये इसके अंदर क्या चीज़ है? इसके अंदर चिकन का मसाला होता है, कीमा मतलब चिकन का कीमा होता है और हरी प्याज वगैरह होती है। आइटम है ये 24 पीस का पैकेट है, 280 रुपये का। 280 रुपये। और इसके अलावा जो है हमारे ये चिकन चीज़ रोल है, जैसे हम चिकन मिंट रोल कहते हैं। ठीक है, ये 12 पीस का पैकेट है और इसके प्राइस है 320 रुपये। 12 पीस है 320। ये इसके अंदर चिकन की बोटियाँ होती हैं और गाजर वगैरह होती है और चीज़ भी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास चिकन वॉन्टॉन है, इसके अंदर चिकन का कीमा होता है। ठीक है, और प्याज वगैरह होती है। इसके प्राइस हैं 180 प्राइस हैं। ये 180 में कितने पीस है? 12 पीस के पैकेट है। 12 पीस है 180 में है, ये होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा आइटम है हमारे पास ये चिकन चिमीचांगा है, ये भी हमारा स्पेशल आइटम है। इसके अंदर भी चिकन की बोटियाँ होती हैं और ये 6 पीस का पैकेट है। गाजर वगैरह होती है और इसमें उसका मसाला थोड़ा वो होता है, रसीला मसाला होता है ना, थोड़ा सा देखने वालों के लिए आसानी पैदा कर दे। कि सब फ्रोजन आइटम तक रख सकते हैं, जैसे फ्रीज में 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक रख सकते हैं, वैसे 2-3 हफ्ते फ्रीजर के अंदर। ठीक है, तो ये मतलब ख़राब नहीं होंगे, इसमें से स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा ये क्या है इसका बताइए? और इसके प्राइस जो है 260 रुपये इसके प्राइस हैं। कितने पीस है? 6 पीस का पैकेट है। 6 पीस 260। ये चीज़ बॉल्स हैं, चीज़ इसके अंदर आलू चिकन और चीज़ मिक्स होती है। इसके प्राइस 300 और ये 12 पीस का पैकेट है। 12 पीस का पैकेट। और इसके अलावा जो है हमारे ये टॉफ़ी कबाब भी हमारे एक नया आइटम है। टॉफी कबाब? हाँ, ये हमने लास्ट ईयर ये हमने लॉन्च किया है। तो टॉफ़ी को आपने कबाब बना दिया? हाँ, नहीं असल में इसके अंदर ये उसका होता है, चिकन का कबाब होता है और इसके अंदर चीज़ मिक्स हुई भी होती है। ठीक है, जब आप अच्छा ये रैप क्यों है ये बताएं? ये इसका मतलब तरीका इसका ऐसा ही है, रैप करेंगे उसके बाद ये इसको आपको करना है, फ्राई करना है। जब आप ये रैप है इस वक्त, जब हमने फ्राई करना है तो रैप ऑयल के साथ ही फ्राई होगा, ये इसी रैप के साथ ही होगा फ्राई। बिल्कुल, उसके बाद ये खोल जाएगा। ये लिक्विड टाइप होता है थोड़ा? नहीं नहीं, सॉलिड होता है। सॉलिड होता है, चले ठीक है। ये क्या प्राइस बताएं? इसके हैं 250 रुपये। 250 पीस का पैकेट है।
और इसके अलावा जो है ये हमारे ये एक आइटम है शास्त्रीय किस्ते की, आपने ट्राई की होंगी मोस्टली। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये 6 पीस का पैकेट है, ये भी 300 का है। इसके अंदर चिकन की बोनलेस पीस की बोटियाँ होती हैं और बाकी बीच में वो शिमला वो है। शिमला ये कितने बताया? 6 पीस का पैकेट है, 300 का। 300 का 6 पीस, इसकी भी वही ड्यूरेशन टाइमिंग होगी, 2 से 3 हफ्ते। 2 से 3 हफ्ते मैक्सिमम। आप लोग क्या फ्रेश रखते हैं ना यहाँ पर? जी जी जी, हमारे यहाँ डेली पर बनता है, डेली की बुनियाद पर यहाँ पर आता है फिर बिक जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। 12 महीने का काम है माशाल्लाह से, 12 महीने का काम है, काम नहीं है पूरा 12 महीने का है। और कैटरिंग वालों से हमारा ये एक हमारा आइटम है, इसको हम कहते हैं चिकन आला की। इसके अंदर चिकन होती है, मतलब ये पूरा बोनलेस आइटम है चिकन का, ये इस तरह है। और इसके अंदर सिर्फ चीज़ मतलब होती है, चीज़ फिल्ड होती है इसके अंदर और कुछ नहीं होता। ये है 400 रुपये का आइटम है, 5 पीस का, 5 पीस का 400। ये मैदे से बनता है, मैदे का पसंदा होता है, उसके ऊपर इसकी वो भी कोटिंग और अंदर चिकन है और सिर्फ चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। बिल्कुल ज़बरदस्त। और इसके अलावा एक ये हमारा है चिकन चीज़ कॉर्न, चिकन चीज़ कॉर्न, ये भी 6 पीस का आइटम है, 260 रुपये का, 260 में 6। जी ये भी उससे बना हुआ है, मैदे से बना हुआ और अंदर चिकन वगैरह की फिलिंग। हाँ चिकन होती है, गाजर वगैरह होती है और चीज़ भी है और स्वीट कॉर्न भी हमने रखा है ताकि टेस्ट थोड़ा इसका अच्छा हो जाए। ठीक है ज़बरदस्त। और इसके अलावा जो है ये एक हमारे हैं ढाका चिकन, ये इसको आप हॉट शॉट भी इसको आप बोल सकते हैं एक तरह से। अच्छा ढाका चिकन, इसमें कौन सी खास बात? ये चिकन के बोनलेस पीस होते हैं, ये बोनलेस पीस के टाइप होते हैं, देखेंगे ये इतने पीस होते हैं, मतलब ये भी फ्राई करके आप? हाँ डायरेक्ट फ्राई करके आप उसको कर सकते हैं। अच्छा हमारे पास सब आइटम जो है वो इसमें मसाले तमाम मसाले लगे हुए, बेसन वेसन भी जो भी लगा हुआ सब लगा हुआ है, बस इसको आप फ्राई कर। इसका क्या हिसाब है? ये भी है 300 का बॉक्स है और इसके अंदर इसका कितनी क्वांटिटी का वेट होता है? 250 ग्राम इसका वेट होता है, 1 पाव होता है, तकरीबन 10-12 पीस होते हैं 1 पाव में। ठीक है। और इसके अलावा एक ये है चिकन चिक्की मिक्की, चिक्की मिक्की सही, इसके अंदर भी चिकन की बोटियाँ वगैरह होती हैं, ये भी 12 पीस का पैकेट है, 350 रुपये का, ये इस तरह का होता है, जस्ट लाइक चिमीचांगा होता है, जैसे ये बड़ा है ना, ये इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है, मसाला वही है बस थोड़ा 19-20 का, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। कितने प्राइस बताए? ये है 350, 12 पीस। और इसके अलावा एक ये हमारे समोसे हैं, इसको हम कहते हैं पिज़्ज़ा क्रिस्पी समोसे। अच्छा हाँ, इसके अंदर भी चिकन की बोटियाँ वगैरह होती हैं और गाजर वगैरह होती हैं, मतलब जैसे पिज़्ज़ा में चटपटा थोड़ा मसाला, रसीला मसाला हमने किया हुआ है। ये 12 पीस का पैकेट है, 340 रुपये का, 340 का जी। और इसके अलावा जो है हमारे एक आइटम है शामी कबाब वगैरह भी, ये हमारा बोरा आइटम है जो आपने कभी खाया होगा, बोरा कटलेस। ठीक है, चिकन बोरा कटलेस, ये चपटे कबाब होते हैं, इसको अंडे में डिप करके फ्राई करना होता है। अभी ये वो जम गया, आप पूरा उठा ले एक सेकंड, ये इस तरह होते हैं, पतले से होते हैं और ये अंडे में डिप करके इसको आपको फ्राई, अंडे में डिप करके इसको फ्राई। हाँ, इसका टेस्ट किस टाइप का होता है? शामी कबाब इस टाइप का, शामी कबाब से बिल्कुल मिलता जुलता टेस्ट है। अच्छा अच्छा, लेकिन शामी कबाब को हम गर्म भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें सिर्फ फ्राई करना है, इसको फ्राई करना है। राइट ठीक है। ये इसके प्राइस बताया? इसके हैं 350 के 12, 350 के 12। अच्छा शामी कबाब है, शामी कबाब है हमारे पास, जैसे कि शामी कबाब पे बड़ा ज़ोर होता है रमज़ानों में। जी बिल्कुल, हमारे पास बीफ के भी हैं, ये बीफ वाले हैं और ये चिकन वाले हैं, दोनों 12-12 पीस का पैकेट, 12-12 पीस का पैकेट है। इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है वैसे, नहीं आ रहा है ज़ाहिर, इसको सिर्फ गर्म करना है आपको। ठीक है, ये मतलब हाफ को कुएं में इसको आपको सिर्फ गर्म करना है। अच्छा, देखने में तो मटेरियल बहुत अच्छा लग रहा है इसका। प्राइस बताएं इसके? 12 इसके हैं 380 और इसके हैं 420। ये चिकन वाले हैं, ये बीफ वाले, 380 और 420, 12-12 पीस। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये कि हमारा नया आइटम है, ये भी हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया है, टिक्का समोसे। टिक्का समोसे मतलब है कि जो इसके अंदर मटेरियल है वो टिक्का स्टाइल में बना हुआ है, बारबेक्यू का मसाला लगा हुआ है और सिर्फ बोटी है चिकन की और कुछ नहीं है। ठीक है। और 12 पीस का पैकेट है, इसके प्राइस हैं 420, 420 12 पीस। इसके अलावा हमारे पास बीफ के समोसे हैं। ठीक है। 12 पीस के 250 का पैकेट है, इसके अंदर बीफ का कीमा होता है और प्याज वगैरह, रोल रोल भी हैं, चिकन सब्जी रोल है, चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल, ये चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल है, ये मांडे से बना है, 250 के बाहर हैं ये। इसके अंदर गाजर वगैरह होती है, गोभी होती है और चिकन के रेशे होते हैं। ठीक है।
और ये मेरे ख्याल में ये भी वही, ये भी वही है। बाकी ये चिकन के समोसे हैं, 250 के बारह हैं, ये इसके बारह हैं। इसके अंदर भी चिकन टोटली आपके पास अंदाजन फ्रोजन के कितने आइटम होंगे? मोस्टली 28 से 30 आइटम होते हैं। अच्छा, आपका आपकी वैसे ऑन कॉल ऑर्डर्स भी आप लोग? हम लोग होम डिलीवरी भी करते हैं, रमजान के अलावा भी हमारे मतलब हमारे पूरा 12 महीने का काम है, हम लोग सिर्फ इसके लिए काम नहीं करते रमजान। अच्छा, ये बता सकते हैं हुसैन भाई कि कितना टाइम हो गया आप लोगों को? मशहूर तकरीबन 10-12 साल हो गए, 10-12 साल यहीं पर हो गए हैं। अच्छा, और जो तैयारी के मराहिल होते हैं, जो बन रहे होते हैं, वो आपके कहाँ पर बनाते? थोड़ा सा तो यहाँ पे भी बन रहा है, वो भी अभी दिखला देंगे। थोड़ा सा व्यूवर्स हम आपको यहाँ पे भी दिखलाते हैं, इनके तैयारी के मराहिल हो रहे हैं। हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। पैकिंग वगैरह होती है? क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से शुक्र। अच्छा, ये क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अब्बास। अब्बास भाई, आप ये समोसे चिकन वाले? जी जी, चिकन वाले। ये यहाँ पर हमारा माल सारा वहाँ से बन के आता है कारखाने से, और जो भी हमारी पैकिंग होती है इधर होती है। ठीक है, जो भी वो बच्चा जो है, ये चिकन जो आप बता रहे थे? हाँ, ये ढाका चिकन की पैकिंग होती है। ढाका चिकन वेट के हिसाब से होती है, वेट कर रहे हैं इसकी। इसको हॉट शॉट भी कहते हैं, बहुत लोग पॉप बोलते हैं, टेंडर पॉप बोलते हैं। ढाका चिकन का नाम है हमारा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये वही है जो आपके? और ये चिकन मॉन्टोन की पैकिंग। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये देखा है कि हुसैन भाई, जाहिर सफाई का आप जितना ख्याल रखेंगे, क्वालिटी का जितना ख्याल रखेंगे, उतनी ज़्यादा आपके पास कस्टमर आएंगे। और रमज़ान की कोई ऑफ़र के बारे में आप बता रहे हैं? इस बार रमज़ान की दो ऑफर हमने निकाली है। ठीक है, जिसमें एक ऑफर ये है कि अगर आप 2000 का आइटम लेते हैं तो आपको आलू वन बाइट समोसे जो होते हैं, छोटे मिनी समोसे 24 पीस का पैकेट है, वो फ्री होगा 2000 के आइटम पे। 2000 पे ऑफर है? हाँ, ये जे एम में लगाई है। ठीक है, वो हम अभी दिखला देंगे। हाँ, और एक ऑफर हमने निकाली है कि 3000 के आइटम पे ये हमारा शरबत का बोतल, ये हमारी बोतल, ये भी हमारा ही आइटम है, ये भी हमारा ब्रांड है, ये आप ही का ब्रांड है। मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप ही लोगों की? जी जी जी, बस ये कि इसकी जो मतलब पैकेजिंग है, ये तो जाहिर है वो तो प्रिंट है वगैरह, वो तो अलग बात है, लेकिन इसके अंदर जो सिरप है, शरबत है, वो आप ही लोगों ने बनाया है। इसका मतलब ये है कि इसका टेस्ट बाहर के मुकाबले में बेहतर होगा, इसलिए कि ये यूँ समझ लें कि यहाँ पर अपने अपनी मौजूदगी में, अपनी निगरानी में बनाया हुआ है ना। तो इसकी क्वालिटी जाहिर है आपने बहुत अच्छी रखी होगी, तो ये ऑफर में शामिल है। जी, ऑफर में शामिल। वैसे अगर कोई अलग से लेना चाहे, अलग से भी मिल जाएगा। कितने का? 300 इसकी प्राइस है। 300। इसमें कौन कौन सी आपके पास वैरायटी है? फ्लेवर्स में हमारे पास जो है ये रूह अफ़ज़ा है। ठीक है, फिर ये लीची है, लीची, ये आइसक्रीम सोडा है। ठीक है, और इसके अलावा ये रोज़ है, और पाइनएप्पल है, और ये ब्लूबेरी। और ये ब्लूबेरी है, ज़बरदस्त। ये देखिए जी, ब्लूबेरी है। इसके अंदर इसमें आपको सिर्फ कुछ भी ऐड नहीं करना, चीनी इसमें ऐड हुई है बस, इसको बस चीनी ऐड हुई भी, चीनी ऐड हुई है, ये मीठा होता है बिल्कुल। मतलब एक गिलास में अगर दो चम्मच डाले तो काफ़ी है, इनफ है, बहुत इनफ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो चले हुसैन भाई, थोड़ा सा वो जगह भी दिखला दें हमें जहाँ पर बन रहा है। चले बस वहाँ पर भी चलते हैं, हम आपको वो भी दिखलाते हैं कि जहाँ पर ये इनकी तैयारी हो रही है, ताकि इससे आइडिया हो जाता है कि मेयार कैसा चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कराची में और कहीं आपकी कोई ब्रांच नहीं? यहाँ पर और कोई जगह नहीं है। अच्छा, अभी बस इनकी एक ब्रांच जो है हुसैन भाई बता रहे कि रावलपिंडी में भी खोली है। रावलपिंडी में कौन सी जगह पर है? रावलपिंडी में बहरिया टाउन में खोली है। रावलपिंडी बहरिया में खोली है, वेरी गुड। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि रावलपिंडी बहरिया के अंदर अगर कोई ब्रांच खुली है तो वो कैसी होगी? बिल्कुल, बहरिया के हिसाब से होगी ना, वो तो साफ़ सुथरा माहौल है, ज़बरदस्त। वहाँ पे हाइजीनिक तरीके से वहाँ पे हमारा काम होता है, जैसे यहाँ पे हमारा काम होता है हाइजीनिक तरीके से, सबको ठीक है, मास्क वगैरह पहनाए हुए हेड पे। ये ज़बरदस्त, ये प्रोसीजर है। ये चिकन टिक्की मिक्की बना रहे हैं और समोसे यहाँ बन रहे हैं। इसके अलावा आप बता रहे थे कि पीछे भी कहीं पर आप? पीछे भी कारखाना है हमारा, दो कारखाने पीछे भी। तो व्यूअर्स, हम इतना ज़्यादा उधर तो नहीं जा सकेंगे, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन पे मसले होते हैं रमज़ान में। तो ये यहाँ पे प्रोसीजर है जो इनका, यहाँ पर ये तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा कटिंग भी यहीं पर होती है। कुकिंग आपकी कहाँ पर? कुकिंग भी उधर ही होती है, जो भी हमारे मसाले वगैरह बनते हैं उधर ही होते हैं, वो पीछे वाली साइड पे होती है। ठीक है व्यूअर्स, तो वो कुकिंग वगैरह वहाँ पर होती है, और जो रैप किया जाता है, जैसे समोसे के अंदर ये लपेट रहे हैं, जो भी मसाला इसमें तैयार किया जाता है, चिकन है, कीमा है, या जो भी चीज़ है, वो इसके अंदर फिर वहाँ से ज़ाहिर है इसको पकाया जाता है। पकाने के बाद प्रोसीजर के बाद यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद ये पैकिंग फिर हमारी शॉप पे होती है, पैकिंग शॉप पे हो
वेबसाइट अंदर होती है। अच्छा, डील आप बता रहे थे, अगर आप 1500 का आइटम लेते हैं तो उस पर एक 12 पीस का जो बॉन्टॉन का बॉक्स है वो फ्री है, वो भी हमारी एक डील है। ठीक है, और उसके अलावा जो है हमारी 4 डील्स अलग हैं, वो हमने ऐसे भी निकाली हुई है, उसके भी हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं डील्स। ठीक है, तो व्यूअर्स ये एक जो रमज़ान के हवाले से थे, ऐसे एक बहुत खास अहम तरीन चीज़ होती है, चूँकि रमज़ान में टाइम का थोड़ा सा इशू होता है, उसमें खवातीन के ज़िम्मे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो और अफ्तार में हम लोग, आपको पता है पाकिस्तान में, कराची में या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, अफ्तार में जो है वो इन सब चीज़ों से लाइट लाइट तरीके से थोड़ा सा रोज़ा खोल लिया जाता है, खाना बाद में खाते हैं, कुछ लोग पहले खा लेते हैं, साथ खा लेते हैं, तो ये लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से होता है। और फ्रोज़न आइटम्स का अब ये इस दौर जदीद में ये फ़ायदा हो गया है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अच्छी जगह से अगर आप फ्रोज़न आइटम्स लेंगे तो डेफिनेटली वो उसको खाने का बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आप घर का खा रहे हैं, क्वालिटी आपकी यकीनन वैसे ही है। और बुरहानी का एक नाम है, ये एक ब्रांड है और 12 साल से यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा बहरिया लाहौर में भी इनकी ब्रांच खुल गई है, रावलपिंडी में, इसके अलावा रावलपिंडी में भी इनकी एक ब्रांच, बहरिया में भी इनकी ब्रांच खुल गई है, तो यकीनन वो भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उस एरिए में यकीनन देख रहे होंगे, पूरी दुनिया में देखी जाती है, तो आप वहाँ से भी इनके बुरहानी फ्रोज़न फूड सेंटर पे, उसका भी यही नाम है? नहीं, उसका नाम है बुरहानी 53 एंड निम्को सेंटर, रावलपिंडी की जो ब्रांच है रूहानी 53 एंड फ्रोजन एंड निम्को सेंटर, फ्रोजन एंड निम्को सेंटर, ये और यहाँ पर ये बुरहानी फ्रोजन निम्को सेंटर के नाम से है, ब्लॉक ई में हैदरी में मौजूद, डॉल्वन वॉल के जस्ट अपोजिट है। हुसैन भाई मेरे साथ थे, हमने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी, इनका डिस्क्रिप्शन में हम नंबर भी ऐड कर देंगे और लोकेशन भी ऐड कर देंगे, तो रमज़ान की ये ऑफ़र इन्होंने ख़ास तौर पर आपके लिए लगाई है। और बात मुझे कहनी है कि हमारे जो ऑर्डर्स वगैरह हैं, अगर आप फूड पांडा पे भी हम लोग हैं, ठीक है, फूड पांडा पे भी अगर कोई मतलब यहाँ के नज़दीक का कोई है रहने वाला कस्टमर तो वो भी ऑर्डर कर सकता है हमें, मतलब है कि नज़दीक का हो तो फूड पांडा के जरिए या डायरेक्ट आपके नंबर? नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि रमज़ान के अलावा भी ऑर्डर्स आते हैं हमारे पास, मोस्टली कस्टमर जो हैं वो इससे करते हैं, फूड पांडा से भी करते हैं, यानी कि इनके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, इनके जो नंबर होंगे आप उस पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी फूड पांडा के जो ऑर्डर्स हैं वो आप उस पर भी कर सकते हैं, रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहम्मद हुसैन भाई को और हसन रज़ा इस्मानी को इजाज़त है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।